आज कुछ धंधा नहीं हुआ क्या? नहीं काका। पापा। अरे तुम चुप रहो, सुबह सुबह नाटक शुरू कर दिया फिर से। पापा चाय। अरे तुम्हें चाय चाहिए क्या? नहीं। इसको कैसे संभालू? काका आज माल आने का दिन है। अरबी है या सलोन है? अरबी। किसने बोला? लॉरेंस, वहां से चंगा के साथ जल्दी से निकलने के लिए लॉरेंस ने बोला। और वैसे रॉकी ने बहुत कमाल का काम किया है, बोल रहा था आपसे मिलने के लिए। अरे वो बाहर में गया, वो उसकी बात इधर मत छेड़ देना। पापा। नमस्कार साहब। नमस्कार। शीशे भी कैसे हो साहब? जानकी, जानकी, जानकी नहीं है साहब, वो मंदिर कहीं है। हाँ। काका। अरे बेटा इधर आइए, आप यहाँ बैठो। मुझे 10 रुपए दो ना। किस लिए? पतंग उड़ाने के लिए। अरे मत दो बेटा, उनको वापस कर दो। ए ए जलाना। चोर नालायक बेटा कहीं का। काशिम को मार दिया ना? उसने टोनी को मार दिया। इससे टोनी की जिंदगी वापस आएगी क्या? मारना मरना मारना, यही इस धंधे में आखिरी में मिलता है। ये धंधा कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहेगा। अभी शाल किधर है? बेटा अंदर है। इसलिए सुना है उसने गांजा बेचना शुरू कर दिया, उससे बात करनी है। सुबह यहाँ आकर सोया था, मैं बुलाता हूँ। शाउल, शाउल, हे शाउल। मैंने समझा के देखा, कौन सुनता है? एक बात बोलो तो 10 उल्टा बोलता है, यही है रवैया। मुझे क्यों बुलाया पिताजी? तुम्हारा नया धंधा कैसा चल रहा है? चल रहा है। ये तुम्हारे लायक धंधा नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। सभी लोग सोने की तस्करी करते हैं क्या? हाँ सब लोग कर सकते हैं। और एक बात, तेरी मर्जी, इस कोट पकड़ लिया तो मेरे पास मत आना, मैं मुड़कर भी नहीं देखने वाला। हाँ। कैसे बात कर रहा है? देखो देखो इस करवैया, देखो। चलो चल जा। हम जो करते हैं वो धंधा सही रास्ते का धंधा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अंधेरे में फायदा देने वाला बिजनेस है गांजा बेचना, मैं जानता हूँ, फिर भी इंसान को बलि चढ़ाने के लिए धंधा हमें नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं? ये आईना कंगी मैं नहीं बेच सकता। ठीक है, नहीं पसंद है तो मत करो। तुम ये मत करो, तुम्हें एक काम करना पसंद है या फिर खुद का कोई बिजनेस शुरू कर लो। तुम सोच समझ के मुझे जवाब दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, आगे से तुम गांजा नहीं बेचोगे। क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? तो मैं चलूं। आज इसका जन्मदिन है। अरे यार, उससे मिले थे? नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ी प्रसाद दे दो। जूली से कुछ बोलना है बता दो मुझे। माँ अच्छी है बोलना। मंदिर के बाहर खड़े थे सागर, अंदर क्यों नहीं आए? इनसे भी बड़ी शक्तिशाली देवी जब मेरे साथ है तो फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं बताओ? ये लो, तुम खुद ही रखो। चलते हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ऐसा तुम्हारी माँ ने मुझे बताया। माँ को? ठीक है, ऐसा बोलने के लिए बोला। वैसे मैं तुम्हारी इस रोने देने को देखने नहीं आया। इधर देखो,
ये जो आंसू बहा रही हो ना, ये बेकार में नहीं जाना चाहिए। जूली अब तुम बहुत छोटी उम्र की, आगे भी कभी तुम्हारे ये आंसू बहुत काम आएंगे, तो इन्हें ऐसे फालतू में वेस्ट मत करो, समझ गई ना? मैं चलता हूँ। मुझे कुछ कहना है। बात क्या है मैं जानता हूँ, मैंने पहले भी कई बार इस बात को सुना है। यही बात है कि सागर, इस खतरे के धंधे को छोड़ दो। सागर सागर, मुझे भूल जाओ, मैं एक गुनहगार हूँ, मैं जेल गई हूँ, तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी चाहिए, यही बोलना चाहती हो ना? अरे पागल लड़की, मेरा कल भी आज भी एक ही जवाब है कि अगर ये पूरी दुनिया भी तुम्हें यह कहेगी तुमने जेल की सजा काटी है, तो भी मैं तुमसे ही शादी करूँगा। इस वजह से होने वाली सारी तकलीफ मैं बर्दाश्त करूँगा। किसी और लड़की से शादी करना ये मेरे बस की बात नहीं। जूली, ये क्या है? रोना बंद करो, अब चुप हो जाओ। अगर मुझे कुछ खबर देनी है तो एक खत लिख के असिस्टेंट वार्डन के हाथ में दे दो, काफी है। मैं चलूं क्या? ऑटो मत खींचो, मत खींचो, थोड़ा साइड दो, साइड दो। मैंने बोला समझ में नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, ऐश्वर्या? हाँ। हेलो जीवन, तुम इधर हो ये मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे इधर आके 3-4 दिन हो गए। वैसे ऐश्वर्या, मुझे ट्रांसफर हुए 2 हफ्ते हो गए हैं।